हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स ग्रुप फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट अमॉन्ग इंडियंस यानी कि फर्स्ट इन इंडिया वो मेल हो या फीमेल हो या कुछ मिसलेनियस ऐसे चीज हो इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं फ्रेंड आज का जो ये वीडियो है आज का जो लेक्चर है वो बहुत सारे यानी कि मल्टीपल एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है बहुत सारे एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है जैसे हम बात कर लें तो जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और भी अदर जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ठीक है उनमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती है इसके अलावा एस एस जेई e की बात कर ले एस एस जेई के अंदर भी पूछे जाते हैं एस एस सी की बात करते हैं मतलब एस एस जितने सारे एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाती है उनके अंदर ये चीज़ें पूछी जाती हैं इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आर की आर भी जितने सारे आर के अंदर आर आर जितने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उनमें भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं इसके अलावा हम बात कर ले यूपीपीएससी की उसमें भी ये चीज़ें पूछी जाती है यूपीएससी में भी ये चीज़ें पूछी जाती है इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो जो आईवीपीएस है इनमें भी ये सारी चीज़ें आती हैं ठीक है यहां से जो है एक दो क्वेश्चन आपको देखने को हर एग्जाम में मिल जाएंगे ठीक है तो फ्रेंड जितने सारे एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ये आज का लेक्चर जो बहुत ही ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होने वाले हैं इसलिए वीडियो के शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि हर वो चीज़ आपको पता चल जाए ठीक है तो फ्रेंड यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि एग्जाम से रिलेटेड हर वो अपडेट हर वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए ठीक है फ्रेंड तो आज का वीडियो जो हम स्टार्ट करते हैं ठीक है पहला क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक है तो फ्रेंड पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो थे जस्टिस हरिलाल जे कानिया यानी कि इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में भी कहीं कहीं बोला जाता है एच जे कानिया ठीक है सेकेंड जो है वो है फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ ब्रिटिश प्रोविनेंस तो फ्रेंड वो थे लॉर्ड एस पी सिन्हा जी थर्ड फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल ठीक है तो वो कौन थे वो थे के एम कृप्पा ठीक है फ्रेंड वो थे के एम कृप्पा फर्स्ट इंडियन टू गेट द भारत रत्न अवार्ड ठीक है जो भारत रत्न अवार्ड थे वो किनको मिला हुआ था तो वो सी गोपाल चारी यहां पे आप लोग देख सकते हैं सी गोपाल चार्य इनके साथ साथ मतलब जो फर्स्ट टाइम थे वो जो है तीन लोगों को दिया गया था वो थे एस राधाकृष्णन और जो थे सी वी रमन यानी कि तीन लोगों को दिया गया था फर्स्ट जो है वो सी गोपाल चारी एस राधाकृष्णन और सी वी रमन इनको दिया गया था ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका यहां द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनरल असेंबली तो फ्रेंड वो, तो वो जो थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित नेक्स्ट फर्स्ट ओमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट वो थी विजय लक्ष्मी पंडित विजय लक्ष्मी पंडित नेक्स्ट फर्स्ट ओमेन टू बिकम ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर वो थी राजकुमारी अमृत कौर फ्रेंड वो थी कौन राजकुमारी अमृत कौर नेक्स्ट 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 है कि फर्स्ट इंडियन सीएजी जो थे वो कौन थे सी भी नरहारी राव यानी कि सीएजी जो होता है उसको हम बोलेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जनरल ऑफ इंडिया ठीक है यदि उसको हिंदी में बोलेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ठीक है जो ये जो काम करते हैं वो सारा का सारा चीज़ जो आर्टिकल जो है वन जो है उसके अंदर में आते हैं ठीक है तो अभी जो करंट के जो है वो है राजीव महर्षि ठीक है राजीव महर्षि जो है वो करंट के हैं जो तेरहवें नंबर के हैं ठीक है और जो नेक्स्ट जो अभी होने वाले हैं वो होने वाले हैं जीसी मुर्मू अभी जो चौदह जो बनने वाले हैं वो जीसी मुर्मू ठीक है यानी कि गिरीश चंद मुर्मू इनका नाम है तो ये अब नेक्स्ट जो है वो बनने वाले हैं ठीक है फर्स्ट अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो थे एम सी ठीक है जो फर्स्ट थे फर्स्ट जनरल अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो थे एम सी ठीक है तो इसको हम लोग जो है चीफ लीगल एडवाइजर भी बोलते हैं या फिर ये जो होते हैं प्राइमरी लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये, ये मतलब, पंद्रह में जो है हमारे जो है हमारे पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो है के के वेणुगोपाल जी अभी करेंट के जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ठीक है नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन ओमेन गवर्नर ठीक है पहली महिला जो है भारतीय गवर्नर कौन थी ठीक है तो वो थी सरोजनी नायडू कौन थी सरोजनी नायडू ठीक है नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस ठीक है इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस ठीक है तो वो जो है सरोजनी नायडू वो कौन थी सरोजनी नायडू थी ठीक है यहां पे पूछा जाएगा फ्रेंड ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट है ना फर्स्ट ओमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट तो वो हो जाएगी एनी वेसेंट ठीक है यदि इंडियन होगी तो वो होगी सरोजनी नायडू ठीक है नेक्स्ट फर्स्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट ठीक है फर्स्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट फ्रेंड वो थी सुचिता कृपलानी सुचिता कृपलानी थी ठीक है जो कि उत्तर प्रदेश की थी कहाँ की थी उत्तर प्रदेश की थी ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका फर्स्ट इंडियन ओमेन हाई कोर्ट जज ठीक है वो थी एनआर चांदी ठीक है कहा कौन थी एनआर चाण्डी जो कि केरला की थी ठीक है नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन ओमेन सुप्रीम कोर्ट जज ठीक है पहली महिला भारतीय सुप्रीम कोर्ट जज कौन थी तो वो थी एम फातिमा बीबी ठीक है नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन टू कंक्यूड वो कौन थी बछेंद्री पाल नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन इन स्पेस ठीक है फर्स्ट इंडियन इन स्पेस वो कौन थे वो थे राकेश शर्मा ठीक है वो कौन थे राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ठीक है पहले भारतीय कौन थे जो भारत जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ठीक है उनके प्रेसिडेंट बने थे तो वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह ठीक है वो कौन थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह नेक्स्ट नेक्स्ट है कि फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड ठीक है पहली पहला मतलब पहले भारतीय कौन थे जो ऑस्कर अवार्ड जो है वो जीते थे ठीक है तो वो थे आपको भानु एहत्या ठीक है भानु एहत्या जो थे वो जीतते थे ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि फर्स्ट इंडियन वोमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल ठीक है तो वो पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने ओलंपिक में मेडल जीती थी ठीक है तो वो थी फ्रेंड करणम मालेश्वरी ठीक है इन्होंने पहला जो है मेडल जो है ओलंपिक मेडल जीती थी ठीक है फर्स्ट इंडियन टू गेट द बुकर प्राइज ठीक है पहला जो पहला इंडियन कौन थे जो है बुकर प्राइज जो है वो जीते थे जिनको मिला था बुकर प्राइज तो वो थे सलमान रशीद ठीक है किनको मिला था सलमान रशीद को फर्स्ट इंडियन वोमेन टू गेट द बुकर प्राइज ठीक है पहली महिला कौन थी जिनको जो है ये बुकर प्राइज जो है मिला था ठीक है तो वो थी अरुंधति रॉय कौन थी अरुंधति रॉय ठीक है नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द मैक् अवार्ड ठीक है पहला भारतीय कौन थे जिनको ये मैक्स अवार्ड जो है उनको मिला था ठीक है तो वो मिला था आचार्य विनोबा भावे ठीक है इनको मिला था नेक्स्ट फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ठीक है पहले जो चीफ थे आर्मी स्टाफ के वो कौन थे ठीक है तो वो थे जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी कौन थे जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी नेक्स्ट हाँ, इसके बारे में अभी हम और बात कर लेते हैं कि अभी करेंट में जो है वो कौन है ठीक है तो अभी हम करेंट की बात कर लें कि चीफ ऑफ आर्मी जो है ठीक है वो अभी करेंट के जो है वो है मनोज मुकुंद नरवाने ठीक है जो कि जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे ठीक है कौन बनेंगे अभी नए नए जो अभी बनने वाले हैं ट्वेंटी ट्वेंटी में वो बनने वाले हैं मनोज मुकुंद नरवाने जो कि जनरल बिपिन रावत की जगह पे बनेंगे ठीक है जो एयर चीफ है जो हमारे एयर चीफ है वो है अभी करंट में मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ठीक है मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया यानी कि आर के भदौरिया भी इनको हम बोलते हैं ठीक है करंट का जो नेवी चीफ है करंट में जो अभी नेवी चीफ है वो है एडमिरल करमबीर सिंह ठीक है वो कौन है अभी एडमिरल करमबीर सिंह ठीक है नेक्स्ट फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू बी अवार्डेड पद्मश्री पहले इंडियन एक्ट्रेस कौन है जिनको पद्मश्री से नवाजा गया था ठीक है तो फ्रेंड वो है नरगिस दत्त नरगिस दत्त पहले एक्ट्रेस है जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू अवार्डेड भारत रत्न ठीक है पहली भारतीय म्यूजिशियन कौन थी जिनको जो है ये भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा गया था तो फ्रेंड वो थी एमएस लक्ष्मी। इनको जो है भारत रत्न दिया गया था पहली म्यूजिशियन थी एमएस शुभलक्ष्मी ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है फ्रेंड कि फर्स्ट इंडियन कैप्टन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन क्रिकेट टीम ठीक है तो वो थे थे फ्रेंड लाला अमरनाथ. कौन थे? लाला अमरनाथ अमरनाथ कौन ठीक है है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट ये कह रहा फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज यूनाइटेड नेशन सिविलियन पुलिस एडवाइजर ठीक है वो पहली महिला कौन थी जिनको जो है यूनाइटेड नेशन में जो है सिविलियन पुलिस एडवाइजर जो है वो बनाया गया था अपॉइंट किया गया था तो वो थी फ्रेंड किरण बेदी ठीक है किरण बेदी इनके जो है किरण बेदी जो है फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर भी थी मतलब फर्स्ट महिला ऑफिसर भी आईपीएस ऑफिसर भी थी इंडिया की ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो है फर्स्ट चीफ ऑफ राव ठीक है फर्स्ट चीफ ऑफ ठीक है तो वो कौन थे वो थे रामेश्वर नाथ कॉ कौ। कौन थे वो फ्रेंड रामेश्वर नाथ कौ थे ठीक है यानी कि जो राव का फुल फॉर्म होता है वो होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग क्या होते हैं फ्रेंड राव का फुल फॉर्म वो होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ठीक है जो अभी जो करेंट के जो है अभी जो करेंट

फर्स्ट वोमेन टू विन एन एशियन गोल्ड ठीक है पहली भारतीय महिला कौन थी जो एशियन गोल्ड मेडल जीती थी ठीक है तो वो थी कमलजीत संधु कौन थी वो कमलजीत संधु ठीक है जो कि 1970 में जीती थी कब जीती थी 1970 में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट इंडियन टॉकी फिल्म ठीक है पहली भारतीय टॉकी तो फिल्म कौन है ठीक है तो वो है आलम अड़ा ठीक है जो कि उन्नीस में आया था कब आया था उन्नीस में ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ठीक है पहला जो है भारतीय इलेक्शन कमिश्नर कौन थे ठीक है तो वो थे सुकुमार सेन कौन थे वो सुकुमार सेन जो कि 1950 से लेके उन्नीस तक रहे थे फ्रेंड कब तक रहे थे ये 1950 से लेके 1950 से लेके उन्नीस ले तक रहे थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ अभी जो करंट के जो है ये चीज मैं बता दूं अभी जो करंट के जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके जो चीफ है वो है सुनील अरोरा अभी जो करंट के जो है वो कौन है सुनील अरोरा ठीक है फर्स्ट इंडियन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इंडियन वो कौन है आई एन एस कल्याणी ठीक है यहां पे आप देख सकते हैं फर्स्ट इंडियन सबमेरिन वो है कौन आई एन एस कल्याणी ठीक है पहले भारतीय कौन है जो टेस्ट क्रिकेट के जो है कैप्टन थे ठीक है इंडियन क्रिकेट टीम के वो थे सी के नायडू कौन थे सी के नायडू ठीक है वो कब बने थे 1932 में कब बने थे 1932 में ठीक है नेक्स्ट 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 क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट ठीक है पहली भारत पहला भारतीय कौन थे जो टेस्ट क्रिकेट में जो है शतक बनाए थे सेंचुरी बनाए थे तो वो थे फ्रेंड लाला अमरनाथ ठीक है वो कब बनाए थे 1933 सौ में बनाए थे जो सीजन था 1933 सौ वाला उसमें इन्होंने ये बनाया था ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ठीक है तो वो कौन थे फ्रेंड एस वी कृष्णा रॉय ठीक है कौन थे एस वी कृष्णामूर्ति रॉय ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है फ्रेंड कि फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू डाई इन हार्नेस ठीक है वो कौन थे वो थे बीसी जोशी कौन थे वो बीसी जोशी ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्स्ट चीफ ऑफ नवाल स्टाफ वो कौन थे वो थे आर डी कटारी कौन थे आर डी कटारी ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि फर्स्ट क्रिकेटर टू हैव बैटेड इन ऑल पोजिशन ठीक है वो कौन से क्रिकेटर थे जो मतलब सभी पोजीशन पे यानी कि एक से लेके पर पोजीशन तक वो जो है वो बैटिंग किए थे ठीक है तो वो थे कौन ठीक है है इन्होंने जो है पहली पोजीशन से लेके ग्यारहवीं पोजीशन तक जो है बैटिंग हर जगह किए हुए थे ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट दादा साहब फाल के अवार्ड विनर ठीक है फर्स्ट दादा साहब फालके अवार्ड विनर जो है वो कौन है ठीक है तो वो है देविका रानी कौन है वो है देविका रानी ठीक है वो कब जीती थी उन्नीस में जीती थी फ्रेंड कब जीते थे उन्नीस में और जो अभी करंट अभी करंट में जो 2018 में जो ये अवार्ड दिया गया था उनके विनर जो है वो है अमिताभ बच्चन कौन है अमिताभ बच्चन फ्रेंड ये भी आपको याद रखना है ठीक है अभी करंट 2018 में जो मिला था उनके जो ये विनर थे वो है अमिताभ बच्चन ठीक है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये जो है आ, दादा साहब फाल्के अवार्ड इज एन एनुअल अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा ठीक है ये जो है स्टार्ट हुआ था कब हुआ था उन्नीस उनहत्तर के अंदर स्टार्ट हुआ था ठीक है जो दादा साहब जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम लोग दुंदराज गोविंद फालके ठीक है इनके नाम पे स्टार्ट हुआ था ठीक है और इनको दादा साहब जो थे धुंद धु डुराज गोविंद फालके साहब इनको जो हम लोग फादर ऑफ़ इंडियन सिनेमा भी बोलते हैं क्या बोलते हैं फादर ऑफ़ इंडियन सिनेमा ठीक है तो फ्रेंड ये 2017 में जो है विनोद खन्ना साहब को मिले थे जबकि 2018 में जो है ये मिले थे अमिताभ बच्चन को मिले थे और ये जो मिलता है वो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा इनके लिए ये अवार्ड जो है दिया जाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड ये कह रहा है कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ठीक है पहले जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के वो थे पटेल जितने सारे हम बात कर रहे हैं वो इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ठीक है कि फर्स्ट इंडियन को ठीक है अभी हम फर्स्ट वर्ल्ड की बात करेंगे उसके लिए भी एक हम लोग जो है एक लेक्चर बनाएंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड ये कह रहा है कि फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर टू डाई इन हारनेस ठीक है तो वो कौन थे वो थे वल्लभ भाई पटेल ठीक है कौन थे वल्लभ भाई पटेल ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के वो थे राधा कृष्णन ठीक है एम जी रामाचंद्रन ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि फर्स्ट फिनांस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट थ्री टाइम्स इन ए रो ठीक है तीन बार जो है लगातार जो है वो बजट पेश करने वाले कौन से जो है फिनांस मिनिस्टर थे ठीक है तो वो थे मनमोहन सिंह जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी थे ठीक है वो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं टू टाइम्स तो उन्होंने है जो है उन्नीस जो है उन्नीस सौ तिरानवे उन्नीस सौ चौरानवे और उन्नीस सौ पंचानवे के अंदर जो है ये चीजें जो है बजट पेश किए थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट होम मिनिस्टर ठीक है पहला जो है गृह मंत्री कौन थे भारतीय ठीक है, है वो थे बल्लभ भाई पटेल कौन थे फर्स्ट होम मिनिस्टर जो थे वो थे बल्लभ भाई पटेल नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट लेडी ऑफ द इंडियन फिल्म ठीक है फर्स्ट लेडी ऑफ द इंडियन फिल्म वो कौन थी वो थी देविका रानी कौन थी देविका रानी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट लता मंगेशकर अवार्ड विनर ठीक है फर्स्ट लता मंगेशकर अवार्ड विनर जो थे वो कौन थे वो थे नौसाद जो कि उन्नीस में इनको दिया गया था कब दिया गया था उन्नीस में दिया गया था ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक ठीक है पहला जो है भारतीय जो है वो कौन है जो मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं वर्ल्ड बैंक के वो थे गौतम काजी वो कौन थे गौतम काजी जो कि उन्नीस में बने थे कब बने थे उन्नीस में बने थे ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फर्स्ट मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ठीक है वो कौन थे दादा भाई नरौजी वो कौन थे दादा भाई नौरौजी जो कि अट्ठारह में बने थे कब बने थे अठारह में बने थे ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फर्स्ट मिस यूनिवर्स फर्स्ट मिस यूनिवर्स वो कौन थी वो थी सुष्मिता सेन ठीक है वो कब बनी थी उन्नीस में बनी थी उन्नीस में बनी थी ठीक है फर्स्ट मिस वर्ल्ड वो कौन थी रीता फारिया जो कि बनी थी 1966 में कब बनी थी 1966 में बनी थी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है फर्स्ट म्यूजिशियन टू गेट पद्म भूषण पद्म विभूषण पहली जो है म्यूजिशियन कौन थी जिनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिला था ठीक है वो थी एम एस लक्ष्मी कौन थी एम एस लक्ष्मी इनको मिला था दोनों अवार्ड मिला था ठीक है फर्स्ट म्यूजिशियन टू गेट रोमन मैक्से अवार्ड ठीक है तो वो कौन थी फ्रेंड वो थी एम एस लक्ष्मी इनको रोमन मैक्स अवार्ड भी मिला हुआ था ठीक है तो इनको जो ये पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो मिला था वो मिला था उन्नीस में उन्नीस में और उन्नीस में कब मिला था उन्नीस और उन्नीस सौ पचहत्तर जबकि इनको रोमन मैच अवार्ड जो मिला था वो मिला था नाइनटीन सेवेंटी फोर उन्नीस में मिला था इनको ठीक है नेक्स्ट फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ठीक है पहला भारतीय कौन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था ठीक है तो वो थे रविन्द्रनाथ टाइगोर कौन थे रविन्द्रनाथ टाइगोर इनको किसके लिए दिया गया था गीतांजलि के लिए दिया गया था जो गीतांजलि इनकी जो आ, बुक्स है इनके लिए इनको दिया गया था नोबेल प्राइज ठीक है कब दिया गया था इनको वो दिया गया था उन्नीस में सॉरी उन्नीस में उन्नीस में दिया गया था इनको ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ठीक है फर्स्ट पायलट फर्स्ट पायलट कौन है इंडिया के जो थे वो थे जे आर डी टाटा ठीक है जो कि टाटा एयरलाइंस के थे और वो कब बने थे उन्नीस में बने थे कब बने थे उन्नीस में बने थे ठीक है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे वो राजेंद्र प्रसाद थे कौन थे राजेंद्र प्रसाद थे ठीक है वो कब बन, कब तक रहे थे 1950 से लेके उन्नीस तक रहे थे ठीक है वो जो प्रेसिडेंट रहे थे उन्नीस सौ पचास से लेकर उन्नीस सौ बासठ तक रहे थे कह रहा है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है पहला प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ठीक है तो वो थे कौन थे डब्लू सी बनर्जी ठीक है जिसको वकीम चंद बनर्जी भी बोलते जो कि अठारह सौ में बने थे ठीक है कब बने थे अठारह में ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन हार्नेस ठीक है तो वो कौन थे वो थे जाकिर हुसैन और ये फर्स्ट जो है मुस्लिम भी थे जो कि प्रेसिडेंट बने थे ठीक है कौन थे जाकिर हुसैन ठीक है ये कब बने थे सड़सठ से लेकर उन्नीस लेके उनहत्तर ठीक है 1967 से 1969 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड ये कह रहा है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ठीक है वो कौन थे जवाहरलाल नेहरू ठीक है कौन थे फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू ठीक है वो कब बने थे वो जो थे उन्नीस से लेके और उन्नीस तक प्रधानमंत्री रहते भारत के ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू डाई इन हार्नेस ठीक है वो कौन थे जवाहरलाल नेहरू कौन थे जवाहरलाल नेहरू ठीक है वो 1964 में जो है 1964 में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ठीक है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू हेडेड ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट ठीक है वो कौन थे वो थे चौधरी चरण सिंह वो कौन थे चौधरी चरण सिंह ठीक है जो कि 28 जुलाई 1917 से जो है जनवरी 14 1980 तक थे ठीक है नेक्स्ट जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ठीक है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस वो कौन थे मोराजी देसाई कौन थे मोराजी देसाई ठीक है जो कि 1979 के अंदर इन्होंने रिजाइन कर दिया था ठीक है 1979 ठीक है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट फेस पार्लियामेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट फेस पार्लियामेंट वो कौन थे वो थे चौधरी चरण सिंह वो कौन थे चौधरी चरण सिंह ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट स्पीकर इन हिंदी एट द यूनाइटेड नेशन ठीक है वो पहले भारतीय कौन थे जो कि यूनाइटेड नेशन में जाकर हिंदी में उन्होंने जो जो है है वो कुछ बोले थे हिंदी में उन्होंने भाषण दिए थे तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं ठीक है वो कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी ठीक है जो कि उन्नीस ठीक है कब दिए थे हो? वो उन्नीस सौ में ठीक है यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है हिंदी में भाषण दिए थे ठीक है फर्स्ट स्लेब रूलर ऑफ इंडिया ठीक है पहला गुलाम रूलर कौन था इंडिया के अंदर वो था कुतुबुद्दीन एवक ठीक है कौन था वो कुतुबुद्दीन एवक ठीक है जो कि 1206 सौ ईस्वी से लेकर 1210 सौ ईस्वी तक ये बने थे क्या कह रहा है? कि First, पहला जो है रामानुजन मेडल जो है उनके विजेता कौन थे ठीक है शेखर वो कौन थे एस चंद्रशेखर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ठीक है पहला भारतीय मतलब जो लोकसभा के स्पीकर कौन थे ठीक है वो थे गणेश वासुदेव मालवंकर, जी भी मालवंकर भी इनको हम लोग बोलते हैं ठीक है वो कौन थे ठीक है अभी जो करंट के जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं ठीक है और वो जो है कौन से नंबर के वो है सत्रहवें नंबर के हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है फ्रेंड कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ठीक है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो कौन है हर्षा और इंदिरा उनका नाम है क्या नाम है हर्षा और इंद्रा ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कौन थे राधा कृष्णन कौन थे एस राधा कृष्णन जो कि 1952 से लेके 1962 तक की नाइनटीन फिफ्टी टू से लेकर उन्नीस सौ बासठ तक रहे थे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फर्स्ट ओमेन मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया वो कौन थी रजिया सुल्तान कौन थी फ्रेंड रजिया जो कि छत्तीस से लेकर बारह साल तक के लिए बनी थी ठीक है? क्या है? कि ठीक है? वो कौन थीक्षी पंडित ठीक, थी थी, थी थी ठीक है जो की यूएसएसआर के लिए उन्नीस सौ सैतालीस से लेकर उन्नीस सौ अड़तालीस उन्नीस सौ उनचास तक थी ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, है वो कौन थी लैला सेठ

रामायण देवी ठीक है वो कब बनी थी वो बनी थी नाइनटीन नाइनटी थ्री में ये जो थी वी एस रामा देवी थी ये यहां पे फ्रेंड टाइपिंग मिस्टेक है ठीक है ये जो आप देख रहे हैं ये भी एस रामा देवी थी ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि फर्स्ट वुमेन टू गो इन स्पेस ठीक है पहली इंडियन महिला कौन थी जो स्पेस में गई थी वो थी डॉक्टर कल्पना चावला कौन थी वो फ्रेंड डॉक्टर कल्पना चावला जो कि नवंबर उन्नीस में गई थी नवंबर उन्नीस में गई थी ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है फर्स्ट वुमेन आई ऑफिसर ठीक है पहली भारतीय आई ऑफिसर कौन थी ठीक है वो थी अन्ना राजम जॉर्ज कौन थी वो अन्ना राजम जॉर्ज जो कि उन्नीस पचास में बनी थी कब बनी थी उन्नीस सौ पचास में बनी थी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ठीक है पहली भारतीय आईपीएस पहली भारतीय महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी वो थी किरण बेदी जो कि कब बनी थी उन्नीस सौ चौहत्तर में बनी थी कब बनी थी उन्नीस सौ चौहत्तर में बनी थी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फर्स्ट वुमेन जनपि अवार्ड विनर ठीक है पहली मह... भारतीय महिला कौन थी जिनको जनपिट अवार्ड जो है वो जीती थी ठीक है वो थी आशा पूर्णा देवी कब जीती थी वो उन्नीस सौ छिहत्तर में जीती थी कब जीती थी उन्नीस सौ छिहत्तर में ठीक थी? है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फर्स्ट वोमेन पायलट यानी कॉमर्शियल है वो कौन थी ठीक है तो वो वो थी 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 प्रेम कौन थी वो? प्रेम माथुर माथुर कौन ठीक है जो जो है है जो 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 कि एयरवेज उनकी ये पायलट कब बनी थी 1951 में में ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फर्स्ट वोमेन प्राइम मिनिस्टर ठीक है पहली भारतीय प्रधानमंत्री जो, जो थी वो कौन थी पहली वोमेन भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो कौन थी वो थी इंदिरा गांधी कौन थी वो इंदिरा गांधी जो कि जो है उन्नीस में उन्नीस में उन्नीस में और उन्नीस में बनी थी यानी कि ये जो है चार बार प्रधानमंत्री बनी थी कब बनी थी सतहत्तर उन्नीस सौ अस्सी और उन्नीस में बनी थी ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फर्स्ट वुमेन साहित्य एकेडमी अवार्ड विनर ठीक है जो पहली भारतीय जो थी वो कौन थी जिन जो साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है वो जीती थी तो वो थी अमृता प्रीतम यहां पे अमृता प्रीतम थी ठीक है अमृता प्रीतम जो कि 1956 में ये अवार्ड जीती थी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड ये कह रहा है कि द फर्स्ट बैंक ठीक है फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कौन है वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान कौन है बैंक ऑफ हिंदुस्तान क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है फर्स्ट जनरल पोस्ट ऑफिस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट या फर्स्ट जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया वो कहाँ पे था वो था कोलकाता ठीक है कोलकाता में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि फर्स्ट टेलीफोन लाइन इंट्रोड्यूस इन इंडिया वो जो था कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर टेलीफोन लाइन का वो किया गया था 1851 में अठारह सौ इक्यावन ईस्वी में ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि फर्स्ट फर्स्ट बैटल टैंक ऑफ इंडिया ठीक है पहला भारतीय बैटल टैंक कौन है ठीक है वो उसका नाम है अर्जुन क्या नाम है अर्जुन फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया ठीक है फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया कौन है वो है आर्यभट्ट ठीक है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम ठीक है पहला भारतीय स्टेट कौन है जो जो है पंचायती राज सिस्टम को लागू किया था वो था राजस्थान कौन था राजस्थान ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड ठीक है पहला भारतीय कौन था जिन्होंने मतलब इंडिविजुअल गोल्ड जो है जीता था ओलंपिक में ठीक है तो वो था कौन अभिनव बिंद्रा ठीक है कौन जीते थे अभिनव बिंद्रा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फर्स्ट डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट ठीक है फर्स्ट डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट कौन है उसका नाम है रुक मिनी ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन ठीक है फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन वो कब हुआ था फिफ्थ नवंबर दो हजार तेरह को कब हुआ था फिफ्थ नवंबर दो हजार तेरह को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ठीक है वो कहां पे है वो है इम्फाल में कहां पे है इम्फाल में ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फर्स्ट स्टेट टू अटेन हंड्रेड परसेंट प्राइमरी लिटरेसी लेवल तो वो कौन स्टेट है वो है केरला कौन है केरला ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ कंप्लीट रूरल ब्रॉडबैंड कवरेज ठीक है वो है आपको केरला ठीक है जो कि केरला का के एक डिस्ट्रिक्ट है ठीक है तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही आई होप आपके लिए जो वीडियो है वो यूजफुल रहा होगा हमने जितने सारे अभी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया वो जो है जितने सारे एग्जाम्स होते हैं वो सभी के लिए इंपोर्टेंट है तो फ्रेंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो है एग्जाम अपडेट से रिलेटेड हर वो नोटिफिकेशन हर वो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो हो आप तक पहुंच पाए तो थैंक यू सो मच